Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest. हिंदू धर्म की पौराणिक कथा है जिसमें गुस्से में भगवान शंकर द्वारा गणेश जी के सिर काटने का जिक्र है। जी हाँ, इस सच्ची कहानी के सबूत आज भी हिमालय के दुर्गम वादियों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में मंदिर है जिसमें आज भी भगवान गणेश के शरीर के दर्शन कर सकते हैं। पुजारी नीलम भंडारी के अनुसार इनका परिवार कई पुस्तों से इस मंदिर में भगवान की आराधना कर रहा है। मुख्य सड़क मार्ग से कठिन पहाड़ियों पर 3 से 4 दिन का समय पैदल चलकर पहुंचते हैं। इसके बाद इस मंदिर के दर्शन होते हैं। पौराणिक कथा है कि जिसमें कहा गया है कि माता पार्वती से मिलने के लिए भगवान शंकर गुफा में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन माता के पहरेदार बने भगवान गणेश जी ने शिव जी को रोका तो गुस्से में भगवान शिव ने गणेश जी की गर्दन काट दी थी। इसके बाद माँ पार्वती की जिद पर भगवान गणेश को जिंदा किया गया और उनको हाथी का सिर इस गुफा में लगवाया गया था। यह कथा शकंद पुराण के मानस खंड में 103 अध्याय में बताई गई है। पुजारी के अनुसार यहाँ दर्शन करना बेहद कठिन काम है। यहाँ गुफा बेहद जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में है। गुफा में अंदर जाने का रास्ता भी सिर्फ 3 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबे आकार का होने से ऑक्सीजन की बेहद कमी होती है, जिसे अंदर जाना और यहाँ रुककर दर्शन करना आसान नहीं है। कहा जाता है कि इस गुफा का अयोध्या के राजा ऋतपर्णा ने 4720 ईसा पूर्व में पता लगाया था। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। बाकी इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।